पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम जरूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हर रोज पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है? अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। हजारों लाखों साल पहले पौधे और जानवर जमीन के अंदर पृथ्वी के उथल पुथल के कारण दब गए होंगे। अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। मनुष्य ने समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थों को निकालना शुरू कर दिया। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जिनसे कच्चा तेल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, मोम आदि चीजें होती हैं। कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहते हैं। कच्चे तेल को बड़े बेलनाकार बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाली जाती है। इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जाने गए कि किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।